गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चंद्रपुर में जो शिविरों की श्रृंखला चलती थी, हर साल शिविर होता था, उस शिविर की श्रृंखला टूटी थोड़े दिनों के लिए। कारण यह था कि मैंने यहाँ के आयोजकों से ये मांगा था कि आप निखिल चेतना केंद्र का एक अच्छा सा कार्यस्थल बनाएंगे और हम उसमें शिविर करेंगे। ये बात बहुत दिनों तक चली, इसका कारण भी हुआ। इसका कारण यह हुआ, या तो मैं गुरु भक्त हूँ या मैं गुरु भक्त हूँ, मैं गुरु की शक्ति करता हूँ या मेरे गुरु की शक्ति है। और कहते हैं कि ऐसा करते करते कोई ने कुछ भी नहीं बना सका और यहाँ का कहाँ रह गया। मैं गत 5-6 वर्षों से चंद्रपुर में शिविर करने नहीं आया, क्योंकि मेरा वचन था कि मैं अगर कार्य होता है तो ही चंद्रपुर में शिविर करने आऊँगा। चंद्रपुर में स्थल है, भक्तियुक्त श्रद्धायुक्त शिष्य भी है और कार्य करने की प्रणाली भी है, लेकिन फिर भी और सामर्थ्यवान शिष्य भी है, फिर भी कार्य नहीं हुआ। मैं इसका कारण यह समझता हूँ कि इनके कार्य प्रणाली में दोष नहीं है, गुरु की इच्छा नहीं थी, शायद यह कार्य नहीं हुआ। अब गुरु की इच्छा के लिए क्या करना होगा? गुरु की इच्छा प्राप्त करने के लिए, इस गुरु की इच्छा प्राप्त करने के लिए उन सभी को, जैसे एक एक ईंट लगाने से दीवार बनती है, एक एक पत्थर लगाने से नींव बनता है और उसके बाद वो बड़ा भवन खड़े रहता है। हमारे पास ईंटें भी हैं, पत्थर भी हैं, लेकिन वो एक जगह नहीं है, अपनी अपनी जगह बैठे हुए। अब उसका लाने का कार्य एक जगह कौन करे? मैं समझा कि वो लोग अपनी अपनी तरीके से आएंगे और कार्य करेंगे, लेकिन नहीं, अब मुझे ही कार्य करना होगा। इन पत्थरों को नींव में डालना होगा, एक एक पत्थर को जमा कर मैं यहाँ फिर शिव स्थल को या साधना स्थल को बनाना होगा। यह किसी का नहीं, गुरु की इच्छा से मेरा ही कार्य है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं करूँगा, जरूर मैं ही करूँगा। यहाँ शिव स्थल नहीं बनाऊंगा, यहाँ के साधकों को बना के बताऊंगा। मैं असमर्थ नहीं हूँ और न भिक्षा मांगता हूँ, न भिक्षा मांग लेता हूँ मेरे शिष्य को। यह चंद्रपुर की महाकाल स्थित, जहाँ की कुलदेवत कहो या जाके यहाँ की नगर देवता कहो, जो महाकाली है, उसकी इच्छा, उसके साथ साथ गुरु की इच्छा भी अपनी इच्छा रखती है। शायद गुरु जी ने सभी का मन टटोला होगा, सभी गुरु भाइयों का मन टटोला होगा, सभी गुरु के मन, गुरु के गुरु उनके मनों को, उनकी श्रद्धा को देखे होंगे। थोड़े लोग कुछ अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, थोड़े लोग अपनी कार्य प्रणाली के लिए लेकर चलते हैं, लेकिन इन सभी के बीच मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा गुरु कार्य नहीं हुआ, मेरा गुरु कार्य नहीं हुआ इसलिए आज तक नहीं आया। लेकिन आज आने के कारण भी एक बता देता हूँ, गत दो महीने के पहले हमारे प्रोफेल भाई यहाँ आश्रम आए थे डायरी जी के साथ। वो बहुत सालों से मुझे ये पूछ रहे थे कि गुरु जी मेरी ये इच्छा पूर्ण करो। मैंने पूछा कौन सी इच्छा?
और हर बार मैं कुछ ना कुछ कहता डाल देता, कुछ ना कुछ करता डाल देता और उनकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी। मेरे मुंह से एकदम ये निकल गया कि तुम एक बार चंद्रपुर में शिविर करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब वो मेरे मुंह से निकल गया, इसके पीछे गुरु जी कारण थे या वो कारण थे क्या पता नहीं चला, लेकिन मुझसे निकल गया। और दाई जी को बोलकर बोले कि तुम्हें ये कार्य करना ही है, तुम्हें शिविर करना ही है। मुंह से निकल गया, इसकी इस प्रेरणा के पीछे शायद गुरु जी की इच्छा होगी। और मैंने कहा ठीक है, तुम शिविर करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। बाद में मुझे ये लगा कि गुरु जी मेरे मुंह से कहलवाने कहलवाने में कोई ना कोई यहाँ के साधकों की जरूर मन की इच्छा होगी, जो यहाँ शिविर करते करते हम रुक गए और गुरु जी के वचन हमने पूर्ण नहीं किए, ऐसा मेरे को लगता था। और गुरु जी ने मेरे मुख से ये बात बुलवाई होगी कि तुम्हें यहाँ शिविर करना है और कारण करें हमारे को भय। ताइडी जी ने भी बहुत उसे कहा, स्वान जी भी बैठे हुए थे और उनके कारण आज मैं कहता हूँ यह साधना शिविर का आयोजन किया गया। बाद में मुझे लगा कि यहाँ शिविर तो करवा रहे, कौन सा शिविर करवा रहे, आज तक तो बहुत सारे शिविर हुए, लेकिन जो कार्य जहाँ जिस जोर पे चलना है, अगर मैं तो आपको कहीं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हैदराबाद के निखिल चेतना केंद्र के बाद अगर कोई शिविर स्थल होना था तो बारिश के बाद चंद्रपुर में ही शिविर स्थल होना था, लेकिन नहीं हुआ। बाकी बहुत सारे लोगों ने अभी तक शिविर स्थल बना लिया और अपने कार्य भी हो गए, ये पीछे पड़ गया। इसके पीछे पड़ने के पीछे जो भी कारण हो, या तो गुरु की इच्छा होगी, या तो यहाँ के आयोजकों या यहाँ के कार्यकर्ताओं या यहाँ के भक्तिभाव से रहने वाले उनके भक्तिभाव में कोई योग्यता हो, लेकिन इसका भी श्रेय जिसको बनता है गुरु को ही बनता है कि गुरु उसको उनको सक्षम बनाए। कोई ऐसा एक आदमी आकर आगे आकर साधक कहे कि गुरु जी आप उन बातों को छोड़ दो, आपको मैं बात आपको बना के बता दूंगा, ये बारे में थोड़े लोगों के जैसे विचार हुए कि गुरु जी हम एक नया स्थल लेते हैं और वहाँ शिविर स्थल बनाते हैं, जहाँ शिविर बनते बनते आधे में रुक गया है उसके लिए उन लोगों का कुछ कहना है। इस प्रकार आप बात तो आगे बढ़ती चली गई लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि जिस कार्य को मैंने ठान लिया है, मैंने आप पर छोड़ के देखा कि क्या आप ये कार्य कर सकेंगे, और जब आपने ये कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की तो मुझे लगा कि अब ये कार्य मुझे हाथ में लेना है। मैं आपको कहता हूँ कि गुरु कृपा हुई, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ वो कारण से मैं यहाँ आपको शिविर स्थल बना के जाऊँगा, ये जरूर कार्य करूँगा, क्योंकि मैं असमर्थ नहीं हूँ और मेरे शिष्यों को असमर्थ देखना भी नहीं चाहता। यही बात एक बार ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त महर्षि बैठे हुए थे और पुलस्त महर्षि ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा देवता, सब ज्ञान होकर भी, सब सामर्थ्य होकर भी ब्राह्मण दरिद्र क्यों है, या कोई गरीबों के पास ये दरिद्रता क्यों होती है, जो ज्ञानी होता है जिसके पास विद्या होती है सब कुछ होता है लेकिन वह संपन्नवान ऐश्वर्यवान नहीं होता, इसका इसके पीछे कारण क्या है। ब्रह्मा जी ने पुलस्त महर्षि को कहा, जहाँ तपस्या की या साधना की कमी हुई वहाँ यह बात नहीं हो सकती कि ऐश्वर्य संपन्न सारा सामर्थ्य बल शक्ति ये तीनों भी उसके साथ हुई, यह नहीं हो सकती क्योंकि उन तीनों में भी झगड़ा है। कौन तीन में इन्हें झगड़ा है, महालक्ष्मी महासरस्वती माँ काली तीनों शक्तियाँ, महालक्ष्मी संपन्नवान बनाती है, शक्ति जिसके पास सामर्थ्यवान है वो माँ काली है और विद्या प्रदाता ज्ञान की दाता माता सरस्वती, इन तीनों भी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी शक्तियों के साथ बैठे हुए हैं और वो एक से एक मेल नहीं खाते, या इसके पीछे शाप है या क्या है नहीं पता। तो इस शाप को निकालना कैसे, किस तरह हो इस शाप को निकालने के महर्षि उनको पूछ रहे थे, ब्रह्मा जी को पूछ रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, है पुलस्त, जब तक विशेष तपस्या साधन नहीं करता तो उस शाप से मुक्ति पा नहीं सकते, गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए भी तपस्या ही करनी पड़ती है, साधना ही करनी पड़ती है।
तो पुलस्त्री ने कहा, हे ब्रह्म देवता, मैं वो साधना करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं असमर्थ तो जीना नहीं चाहता, वो मैं साधना करना चाहता हूँ। तो पुलस्त्री भगवान महाश्री सप्तमहर्षि बैठे हुए थे, तो सप्तमहर्षि बैठने के बाद सप्तमहर्षियों ने ये पूछा कि हम सप्तमहर्षि वैसे बैठे हैं, कोई यहाँ संतान बढ़ने का या अपनी प्रकृति मानवता बढ़ने का इसका कोई श्रेय नहीं हो रहा है, कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा, क्या करना चाहिए? क्योंकि सप्त ऋषियों को ही एक बात ब्रह्मा जी ने कही थी कि आगे का काम तुम्हें करना है, लोगों को बढ़ाना है, स्त्री पुरुषों को बढ़ाकर इस समाज को महान करना है, जनता को आगे बढ़ाना है, प्रजा का निर्माण करना है। सभी ऋषि अपनी अपनी जगह बैठे हुए, तो ब्रह्मा जी ने पुलस्त्री से कहा कि तुम ऐसा कुछ करो जिसके साथ यह प्रजा बढ़े, जनता बढ़े और तुम्हारा ऋषि का आया हुआ कार्य आज हम गोत्र के नाम से जाने जाते हैं, ये सब ऋषियों के ही गोत्र है, बाद में उसके विभिन्न गोत्र हुए वो बहुत अलग, जिस ऋषि से प्रजा उत्पन्न हुई और आगे बढ़ी उसे उस गोत्र का गोत्री कहा गया। अब ये है कि पुलस्त्य महर्षि ब्रह्मा जी के कहने पर कि पहले हम प्रजा को बढ़ाएंगे, प्रजा को बढ़ाने के बाद आगे सोचेंगे क्या करना है, ब्रह्मा ने ये कार्य सृष्टिकर्ता का कार्य है, ब्रह्मा के पुत्र है, पहले सृष्टि करेंगे, सृष्टि करेंगे तो स्त्री को, स्त्री तो चाहिए, बिना स्त्री को आगे कैसे संतान उत्पन्न कैसे होगी और प्रजा कैसे बढ़ेगी। पुलस्त्री बैठे बैठे सोचे और गए, उन्होंने कहा कि तपस्या के लिए जगह चुनी जहाँ त्रिबिंदु नाम के राजा राजऋषि रहा करते हिमालय के पास, पुलस्त्य महर्षि वहाँ आए और वे तपस्या में बैठे, तो वहाँ देखते क्या है कि उस त्रिबिंदु राजऋषि के पास बहुत सारे मनों में आने वाली कन्याएं और राजऋषि कन्याएं उनके साथ खेलती हुई कभी भी तपस्या में भंग डालती थी, तपस्या में आकर वो नाचती थी, खेलती थी, फूल डालती थी और तपस्या में भंग होता था। पुलस्त्य महर्षि को लगा ये कन्याएं आकर यहाँ ऐसा इस तरह ध्यान को भंग करती है, तपस्या को भंग करती है, ये क्या बात है? एक बार कहा, दो बार कहा कि तुम आओ, हम तपस्या में बैठे हैं, ध्यान पर बैठे हैं, आपको यहाँ कुछ करना नहीं है। तो पुलस्त्य महर्षि एक तो वे जिस उद्देश्य से आए थे उद्देश्य था कि प्रजा को आगे बढ़ाना, तो उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस संसार में, मैं बिना शादी किए ही इस संसार में प्रजा की उत्पत्ति कर सकूँ और कुछ कार्य हो सकूँ। तो उन्होंने कहा प्रजा बीज है, एक बीज है, उस बीज का अगर वायु बीज के साथ सम्मेलन हो जाए तो संगति हो सकती है। उस तपस्या में पुलस्त्य महर्षि अपनी तपस्या करने तपस्या में बैठ गए और बात करने, उतने में हुआ यह कि जिस दिन वो सारी कन्याएं आकर इस प्रकार ध्यान भंग करने लगी तो महर्षि पुलस्त्य ने एक बार उस बीज को अपने मन में कहा और देखा कि पेड़ पर एक दो पक्षी बैठे थे और उन्होंने उस बीज का उच्चारण किया, उच्चारण करने के 15 मिनट के अंदर अंदर उन पक्षियों से अंडे में पक पड़े और वो गर्भ होकर अंडे दिए। तब उसने कहा कि इस बीज में इतनी शक्ति है। दूसरे दिन उन कन्याएं जब आई तो उन कन्याओं को सभी को कहा, तुम आगे मेरा ध्यान भंग कर रहे हो, आज से इस आश्रम में जो कोई बिना मेरी आज्ञा के आएगा वो फिर की गर्भवती हो जाए। एक तो बात के लिए बिना कुछ कारण की गर्भवती होती कैसी है, गर्भवती होती है। सभी लोग डर गए कि वो पुलस्त्य महर्षि थे, महर्षि की बात जानते थे, लेकिन राष्ट्रीय त्रिबिंदु कन्या ये बात कहने से वहाँ नहीं थी और वो दूसरे दिन अपने साधारण रूप से आ गई और पुलस्त्य महर्षि के पास वैसे ही चले गए। उन्होंने देखा कोई सहेली नहीं है, मैं अकेली हूँ। जैसे ही पुलस्त्य महर्षि आँखें खोले वो कन्या सामने दिखी और उन्हें एक बार घूर के देखा तो उसके शरीर में बदलाव आ गए, वो गर्भवती हो गई। अब वो उस गर्भ को लेकर अपने पिताजी के पास गई, बोली मेरे शरीर में कुछ तो भंग हो रहा है, कुछ इस प्रकार हो रहा है पिताजी की मैं बदल गई। पिताजी ने राजऋषि ने देखा कि ध्यान में ये पुलस्त्य महर्षि का शाप है, वहाँ नहीं आने के लिए कहा था, तो वहाँ गई। राजऋषि गए और पुलस्त्य महर्षि से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, गलती से मेरी लड़की आपके पास आ गई और तुम्हारे शाप के कारण उसने गर्भधारण किया है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कन्या को आप आपकी सेवा में रखें। मुझे पता है कि आप शादी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सेवा करके आपकी तपस्या में भंगनी और आपकी सेवा करें। पुलस्त्य महर्षि ने हाँ कहा, बाद में तपस्या करने लगी। उसकी सेवा को देखने के बाद पुलस्त्य महर्षि ने कहा कि हे कन्या, तूने मेरी सेवा बहुत अच्छी तरह की है, तुझे मैं वरदान देता हूँ कि तुझे एक इतना सुंदर पुत्र होगा जो इस संसार में
संसार का सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा और वो सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए इस संसार की मोक्षमुक्ति कर सकेगा। उस प्रबिंदु की कन्या का गर्भ ठहरा, बाद में उसको लड़का हुआ। उस लड़के का नाम विश्रवा लगाया गया। विश्रवा नाम का महर्षि हुआ, वो भी बहुत तपस्यायुक्त हुआ। और उस विश्रवा के बाद उसने शादी कर ली, उसके बाद उनको बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया वैश्रवण। और यह वैश्रवण ही कुबेर नाम से जाना जाता है, इसलिए हम पढ़ते समय कहते हैं ओम कुबेराय विश्रवणाय धनधान्य स्वाहा। वो वैश्रवण जो है वो कुबेर, वो कुबेर की उत्पत्ति हुई। कुबेर की उत्पत्ति होने के बाद कुबेर अपने पिता महर्षि के पास गया और कहा कि मैं दरिद्रता से जीना नहीं चाहता, मैं सामर्थ्यवान बन के जीना चाहता हूँ, इसलिए कुछ मुझे कार्य बताओ, मुझे कुछ करने के लिए बोलो। तो उन्होंने कहा कि तुम महाविष्णु की शरण जाओ जहाँ लक्ष्मी निवास करती है, शिवजी की शरण जाओ जहाँ शिवजी भी माता पार्वती के साथ है, वह तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। अब उनको लगा कि शिवजी की शरण जाए या महालक्ष्मी की शरण जाए, तो उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त कर ब्रह्मा से कहा कि आप ही बताओ मैं किनकी साधना करूँ। विश्रवा के कहने पर वैश्रवण ने शिवजी की साधना संपन्न की और वे अक्षय पात्र उन्होंने प्राप्त किया और धनाढ्य हुए। धनाध्यक्ष कहलाए, इनकी तपस्या को उनकी साधना को लेकर कुबेर महान कहलाए। इसके बाद विश्रवा के साथ उसी तरह उनके और एक भाई थे, उनकी शादी होगी और उनको 7 कन्याएं हुई। महर्षि भरद्वाज ने उन 7 कन्याओं को उस ऋषि के 7 पुत्रों में से एक साथ विवाह करवा दिया और उसमें एक कन्या थी जिसका नाम था कैकसी। उन्होंने इस प्रकार साधना संपन्न की और जहाँ वैश्रवण के पास साथ में पूजा करते हुए विश्रवा बैठे हुए थे, विश्रवा ऋषि को देखकर उन्होंने कहा कि ऐसा तो इतना महान ऋषि तो कोई हो नहीं सकता। उनकी तपस्या को देखकर कैकसी के पिता ने कहा कि तू अगर विश्रवा के साथ शादी कर लेती है तो हमारे संसार में हमारे युग में एक महान योद्धा, एक महान आदमी का जन्म हो सकता है, तू जाकर उनकी सेवा में जा और उनके साथ शादी करने की बात कर लो। लेकिन उन राज्यों को उनको प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। वो उस महर्षि के पास गई और खड़े रहकर ये पूछने लगी कि मैं फलाने राजा की कन्या हूँ जो मेरे राज्य से पाताल में रहते हैं, भगवान विष्णु की डर से वो सब लोग भाग गए हैं और नीचे रहते हैं और मैं उनकी कन्या हूँ, आपके पास आई। उन्होंने देखा कि तुम किस लिए आए। उन्होंने जब अपने तपस्या से देखा कि वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो शादी करने से पहले ही उनको संध्या का समय था और उसने कहा कि हे ऋषि, मैं आपके साथ शादी से पहले ही वह भोग प्राप्त संभोग प्राप्त करना चाहती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ। तो राजा ऋषि ने कहा तुम क्या कहते हो, ये संध्या का समय है, ऐसे वक्त में जो भी संभोग होता है, पुत्र प्राप्त होता है, वो राक्षस होता है, बहुत खतरनाक होता है, वह संसार को बुरा करने वाला, तेरे पुत्र तो वीर बराठे तो होगा ही होगा लेकिन वह राक्षस कहलाएगा, ऐसा इस संध्या काल में यह कार्य नहीं करना चाहिए। उसने कहा नहीं, मुझे अभी करना है। और उस ऋषि के साथ जब हुआ, उसके साथ जो पैदा हुए उनका नाम दशग्रीव कहा गया, जो दशग्रीव आगे से लेकर रावण कहलाए। उस दशग्रीव ने जब जन्म लिया, दशग्रीव आगे बढ़ा, तपस्या संपन्न की। तपस्या संपन्न होने के बाद अपने पुरुष के महाकाल से पूछा कि हे तार, मैं इस संसार में सब कुछ देखा हूँ लेकिन दरिद्रता के साथ जीना नहीं चाहता। दशग्रीव हूँ, सब कुछ हुआ है लेकिन मेरे से तेरे को मैं ऐसा नहीं जीना चाहता। जब उनके तार और उन सभी ने कहा कि हे दशग्रीव, हमें भगवान विष्णु ने जहाँ पर भी हो बुलाया है, आज हम सब लोग उनके डर से भाग कर पाताल लोक में जाकर छुपे हुए हैं, जब तक आप विष्णु को अपने हाथ में नहीं लोगे तब तक हम इस संसार में हम जीत नहीं सकेंगे और हम ईश्वर प्राप्त कर नहीं सकेंगे, क्योंकि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, लक्ष्मी अपने पास आएगी ही नहीं जब तक हम विष्णु को हराएंगे। ये बात जब कहा तो रावण ने कहा कि अब इसके लिए क्या करना चाहिए।
विष्णु को तो शरण नहीं आ सकते, विष्णु को शरण नहीं आ सकते, लक्ष्मी की शरण नहीं जा सकते, लक्ष्मी अगर नहीं आती तो हम कैसे जहाँ जाए वहाँ दरिद्र ही कहलाएंगे, दरिद्र ही रहेंगे। फिर इसके लिए क्या करना होगा? वे शिवजी के पास गए और शिवजी के चरणों में नमस्कार करके कहा कि प्रभु मैं ऐश्वर्यवान बनना चाहता हूँ। शिवजी बात ही नहीं, शिवजी उनकी तरफ देखे। शिवजी जब नहीं देखे तो दशग्रीव को लगा कि शिवजी मेरे पत्र देखते हैं, मेरी तपस्या को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके पास सारी विद्या है, उनके पास सारा ऐश्वर्य है, फिर भी वो मुझे नहीं देते। यह बात सोचकर वो शिवजी ने कहा, उस दशग्रीव ने कहा कि हे शिव, मैं तुम्हें प्रसन्न करके ही जाऊँगा, प्रसन्न करूँगा इस तरह कि आपको मुझे वो सब देना ही होगा जो मैं चाहता हूँ। दशग्रीव तपस्या में लग गए, तपस्या में ऐसे लगे कि उनकी तपस्या से सारा पर्वत हिलने लगा। उन्होंने अपने दोनों कंधों पर कैलाश को उठा लिया और उसको नचाने लगे, तांडव का स्तोत्र करने लगे। जब उन्हें पता चला कि दशग्रीव पूरे शक्ति के साथ मेरे कैलाश को हिला दे रहा है, तो उन्होंने अंगूठे से कैलाश को दबा लिया और उस दबने के कारण वे अंदर ही अंदर दबते गए और दशग्रीव जोर से चिल्लाया, मेरे कंधे दब गए हैं, मैं उठ नहीं सकता। इसे आर्त राव, आर्तव, आर्तव का मतलब होता है जोर से पुकारना, उसको राव कहा गया है। राव होता है आर्तनाद करना, पुकारना, न का अर्थ होता है उससे छुटकारा पाना। तब जोर से पुकारने के बाद जब भी शिवजी ने कहा और उसके पीछे से आ गया, तो रावण को लगा, यानी दशग्रीव को लगा कि ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है। तब उसने अपना एक एक सिर काटकर भूख करने लगा, पहला सिर, दूसरा सिर, ऐसे नौ सिर काट गया। जब दसवें सिर काटने को गया तब शिवजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि दशग्रीव तू क्या चाहता है? वो चाहता है, मैंने कहा कि मैं असमर्थ जीना नहीं चाहता, मैं जीऊँगा तो इस संसार में ऐसा जीऊँगा कि संसार मुझे देखे, मेरे वंश का नाम ले, मेरा नाम ले, ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ, मैं असमर्थ जीना नहीं चाहता। शिवजी ने कहा ठीक है, और मुझे मृत्यु न प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तुमने ब्रह्मा जी से पूछा है, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, देवता, सरीसृप, सांप, बिच्छू आदि सब ये कुछ मुझे मेरा बिगाड़ने स्थिति से मार नहीं सकते। मैं नाराज मार रहा हूँ क्योंकि तीन एक घंटा जब देवता ही हार जाते हैं तो नाराज मार मेरे सामने क्या है, उनको तो मार देगा, मुझे डर मारा उससे डर नहीं है, मेरे को डर है यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, सांप से, मैं उन सभी से जीतकर श्रेष्ठ मनुष्य कहलाऊंगा, ऐसा मुझे वृद्धांत और इतिहास से नहीं मारा जाऊंगा। उन्होंने कहा तथास्तु। रावण वहां से आया और जब वहां से निकल रहा था तब शिवजी ने दशग्रीव का नाम रावण रखा, इससे जिसके आर्तनाद से शिव आए और उसकी रक्षा किए, उसने राव का अर्थ होता है आर्तनाद और न का अर्थ होता है छुटकारा पाना, तब शिवजी ने उसका नाम रावण रखा। रावण जब आए और उन्होंने जब शिवजी की कृपा प्राप्त की थी तो कृपा प्राप्त कर आगे जा रहे, वे पहले पहर आए और अपने पितामह से पूछे कि हे पितामह, इंद्रलोक में स्वर्गलोक में इंद्र बैठा हुआ, वो अपने पर इतराता है कि स्वर्ग जैसा इस संसार में दूसरी कोई जगह ही नहीं है, इतनी सुंदर जगह है, तो मैं चाहता हूँ कि इंद्र को हरा सकूँ, ऐसा नहीं कि उसका बहुत से राक्षसों ने इंद्र को हरा लिया, स्वर्ग को अपना लिया, मैं स्वर्ग से भी श्रेष्ठ एक स्थली बनाना चाहता हूँ, एक जगह बनाना चाहता हूँ जो इंद्र भी इसके लिए लायक हो, ऐसा स्थल बनाना चाहता हूँ। उसके ब्राह्मण ने कहा कि हाँ ऐसा स्थल पहले बनाया होगा, तेरे भाई विश्वास के पुत्र वैष्णव ने मांगा था और वो उन्होंने विश्वकर्मा के लिए एक जगह बना के दी थी, वो लंका नगरी है, लंका एक जगह पानी के अंदर बैठा हुआ है, बहुत सुंदर नगरी है, उसके चार कोर बने हुए, उसको त्रिकुट पर्वत पर स्थापन किया गया, त्रिकुट नाम का पर्वत है, उस पर स्थापन किया गया। रावण ने कहा वो देखा बहुत सुंदर है, घाट है, पेड़ है, सब कुछ है, लेकिन उसे तृप्ति नहीं हुई कि मुझे इससे क्या तृप्ति है, ये तो सभी जगह होते हैं, इसमें क्या करना है। उन्होंने कहा तो और क्या चाहता है, इतना सुंदर इतनी सुंदर नगरी जहाँ इंद्र की स्वर्ग नगरी भी इसके सामने कुछ काम नहीं आती। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, इसमें तो मणि मुकुट हो, स्वर्ण हो, चांदी हो, सारे मणि रत्नों से भरा हुआ मेरा धनागार हो, मेरा मेरी नगरी हो, ऐसी नगरी चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसी नगरी कैसे प्राप्त हो? एक तो बात नहीं, तू तो लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं करता क्योंकि विष्णु द्वेषी है, विष्णु के बाद गई तो लक्ष्मी तो तुझे प्रसन्न नहीं होगी, ब्रह्मा सरस्वती को तो विद्या की दात्री है, अब तू किसे प्रार्थना करेगा?
किसे प्रार्थना करेगा कि वो बहुत सारा धनवान हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, सामर्थ्यवान हो जाए, तो किसकी प्रार्थना करना चाहता है? तो उसने कहा कोई मार्ग नहीं है क्या पितामह? तो उन्हें कहा एक बार तो ऐसा कर शिव जी के पास जा और माता पार्वती जो उनके बगल में बैठी हुई है उनको जाकर प्रार्थना कर। लेकिन माता पार्वती के जाते समय जाने से पहले ही रावण के भाई कुबेर ने पहले ही बता दिया था, अरे भाई मैं तुझे क्या बताऊँ, पार्वती माता को मैंने एक आंख से देखा था, एक आंख से जैसे पलट के देखा तो उनको देखते ही मेरी आंख जल गई और दूसरी आंख पीली पड़ गई। उसको उस दृष्टि से देखने मात्र से मैं पिताक्ष नाम से नया नाम का कहलाया, माता पार्वती की तरफ बन जा, ऐसा जाने से करीब को बहुत तेरे कष्ट होगा। लेकिन वो तो रावण था, मानने वाला नहीं था। वो शिव जी के पास गया और कहा कि हे रावण, हे हे देव के देव महादेव, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, तांडव स्तोत्र करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता दो, मैं असमर्थ देना नहीं चाहता और मैं विष्णु की शरण जाऊँगा ना लक्ष्मी की शरण जाऊँगा, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, इसके लिए मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा धनवान बन के क्या करेंगे? नहीं मुझे धनवान बनना, मुझे इंद्र से भी तेरे आपके कैलाश से भी सुंदर नगरी बनानी है और उसमें मैं ऐसा आराम ऐश्वर्य के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा ऐश्वर्य चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना है? तो शिव जी ने कहा मेरे पास भी तो कुछ नहीं, मैं तो यहाँ सुखी हूँ, कैलाश पर्वत में बनता हूँ और ये कैलाश पर्वत से जिसने दिया है ये माता पार्वती के पिता हिमालय हिमदेव ने हिमराज ने मुझे दिया है। तो उनके कहने से जब हिमराज के पास गया और कहा कि तुमने इतना सुंदर हिमालय पर्वत बनाकर शिव जी को प्रदान किया है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा माता पार्वती ही इसकी देन है, माता पार्वती ने इसकी सुंदरता बढ़ाई है, माता पार्वती के कारण सुंदर आया, सुंदरता बढ़ी हुई। वो डायरेक्ट शिव जी के पास आए और कहा हे शिव जी, आपने मुझे आत्मलिंग भी दिया, सब कुछ मेरे पास दिया, लेकिन मुझे मेरे पास ऐश्वर्य नहीं दिया, आप ऐसा कर दो आपके पार्वती को मेरे पास दे दो, मैं सुंदर नगरी बनाऊंगा। अरे ये कोई भक्त की बात नहीं, तुम किस तरह बात कर रहे हो? लेकिन भोलेनाथ थे और जो आत्मलिंग ही दे देते हैं तो माता पार्वती, उसने कहा तेरी शक्ति है तो ले जा। ये देखकर गणेश जी को सारे देवताओं को एकदम गड़बड़ाहट मच गई, ये क्या भोले शिव जी ने पार्वती को दे दिया, वो समाधि से बैठना चाहते हैं पार्वती को दे रहे हैं। नारद जी को देखकर गणेश जी के पास आए, बहुत अनर्थ हो जाएगा अगर ये पार्वती को ले जाएगा लंका को, तो अनर्थ हो जाएगा इसका, कैसे माता पार्वती खड़ी थी और शिव जी की तरफ देखकर कहती है क्या? तब विघ्नहर्ता गणेश जी को ही माता पार्वती ने कहा कि इस विघ्न को कैसे दूर करके गणेश तू देख। शिव जी तो पार्वती को देखते, रावण ने कहा चलो मेरे पीछे, हाँ लंका जाना है। रावण आएगा नहीं चला, पीछे पार्वती चल रही थी। अब क्या करना है ये देखकर गणेश जी ने कहा हे नारद, तू तो बात कर सकता है, बाकी कोई देवता जाने से उसके रावण के सामने बात नहीं कर सकते, तू तो जाकर बात कर सकता है, तू जा और रावण के सामने खड़े होकर ये बात कह दे कि तुम्हें क्या करना है। रावण के पास, रावण के सामने नारद जी गए, नारायण नारायण, अरे क्या बात है हे भ्राता, क्योंकि वो भी तो बंधु रखते थे, नारद भी तो ऋषि पुत्र थे, सब ऋषियों में से एक पुत्र थे, तो क्या भ्राता तुम्हारे से सामने आए? अरे अरे रावण तू क्या कर रहा है, ये किस स्त्री को तेरे पीछे लेके जा रहा है? किस स्त्री को? माता पता तुम्हें पता नहीं है, माता पार्वती को ले जा रहा हूँ, शिव जी की पत्नी पार्वती को ले जा रहा हूँ, तेरी पत्नी भ्रष्ट हो गई है, तूने देखा है क्या कि वो कौन है तेरे पीछे? अरे ऐसी पार्वती माता ऐसी किससे कहा? बोले नारद तू मुझे ऐसे ऐसे करके घाटे में मत डाल, ये मत बता कि मेरे पीछे पार्वती आ शिव जी ने किया है, मुझे पार्वती को मैं पार्वती को ले जा रहा हूँ, एक बार पलट के तो देख क्या वो पार्वती है क्या? रावण को शिव जी ने ले जाते समय ही कहा था तू यहाँ पलट के देखा वहाँ वो रुक जाएगा। अब रावण को लगा कि यहाँ अगर पलटूँ तो पार्वती यहाँ रह जाएगी और नहीं देखूँ तो ये नारद कह रहा है कि पीछे कौन है, पीछे वो तो पार्वती नहीं है, फिर कैसे? प्रश्न में पड़ गए और विघ्नहर्ता गणेश वहाँ खड़े खड़े देख रहे थे कि उसे किसी भी करके किसी भी तरह करके पलट के दिखवाना है। वो रावण ने कहा हे नारद तू मुझे फंसा मत, पीछे पार्वती ही खड़ी है। अरे भाई मैं पार्वती माता को जानता हूँ, वो पार्वती नहीं है, तो अगर देखना है तो देख यहाँ ये आदमी खड़ा है, इसको पूछ ये पार्वती देवी है क्या? वहाँ गणेश जी दूसरे रूप में खड़े हो गए थे। अरे भाई ये मेरे पीछे कौन खड़ी है? अरे बाप रे भाई तो रूप में चलो भागो भाग रहा। ये देखकर रावण को लगा कि मैं पार्वती को पूछा शिव जी थी, शिव जी मुझे धोखा दे गया है क्या? फिर भी इन दोनों के कहने पर उन्होंने पीछे पलट के देखने की शक्ति की और पीछे जैसे ही पलटे भयंकर रूप था, जिस भयंकर रूप को जिसका जीव बाहर था, जो एकदम खड़ी थी, एकदम काली भयंकर काली थी और जिसका रूप देखकर वो भज गए, अरे मैंने तो पार्वती को पूछा था ये कौन आई?
एक और मेरे पीछे आई और उसने उस देव को देखकर राम भी डर गया और भागते भागते कहा, नारद ये शिव जी का ही काम है, उसने मुझे फंसा दिया है, शिव जी के पास जाकर बोलूंगा। रावण भागते हुए गया, भागते जाकर शिव जी को कहा कि क्या शिव जी, मैं तुम्हें पर इतना भरोसा करता हूँ, तुमने मुझे ऐसी काली स्त्री को मेरे पीछे भेजा, ये जो काली मेरे पीछे आई हुई है। मैंने शिव जी ने कहा, मैं तो तेरे पीछे पार्वती को ही लेके भेजा था, ये बात अलग है, वो चलते चलते थक गई और काली हो गई होगी, तो उसके घर मैं उसका मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो जब तक कैलाश में थी गोरी थी अच्छी थी और पर्वत आकार थी बहुत सुंदर थी, तेरे पीछे आ गया कि अगर उसको लंका का ले जाता था और वहाँ अच्छी तरह था फिर पार्वती बन जाती थी, तो पीछे पलट के मैं नहीं देखो तो देखा पीछे पलट के, इसलिए वो काली हो गई, मैं क्या करूँ। अब रावण देखते रह गया कि यार मैं ऐसा वैसा करके इधर मैं ही फंस गया, वो आया और कहा कि मुझे ये स्त्री नहीं चाहिए, तो वो स्त्री जो वहाँ पीछे रावण के पीछे खड़ी थी उसने कहा, हे रावण तूने मुझे बुलाकर लाया है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर तू मुझे यहाँ नहीं यहाँ से मुझे लंका नहीं ले गया तो मैं तेरा अंत देखूँ। अब रावण कहा कि इस स्त्री को अगर मैं लंका को ले जाऊँगा मेरी माँ कहीं कसी क्या कहेगी, कैसी स्त्री को लेके आया है और ये क्या कर रहा है, तो ये किस तरह चाहिए। तो शिव जी ने कहा, नारद ने कहा कि हे रावण इस स्त्री को ले जा तेरा बहुत भला होगा। रावण बोले, अरे क्या तू भी अच्छी बातें करते हो, मैं सुंदर पार्वती को ले जाकर मेरे लंका नगरी को सजाना चाहता था, जहाँ पार्वती रहती है वहाँ सब कुछ रहता है, मैं उनको ले जाना चाहता था। तब नारद ने कहा कि यह वही पार्वती है जो शिव जी कहते हैं यह वही पार्वती है, तो तू इसको अपने साथ क्यों ले क्यों नहीं जाता। उसने कहा, कैसे ले जाऊँ, तू देख अब मैं तुझे बताता हूँ, तू एक बार प्रार्थना तो कर। तब रावण ने उस काली को प्रार्थना की कि हे पार्वती तुम शक्ति हो, शिव जी ने तुम्हें प्रदान किया है मुझे और तुम मुझे इस तरह फंसा रहे हो, सच बताओ कि तुम कौन हो और तुम क्यों इस तरह का रूप धारण किए हो। तो पार्वती ने कहा, हे रावण इसके पार्वती तू किस उद्देश्य के साथ रावण में आओ शिव जी के पास आया था। उसने कहा, मैं इस उद्देश्य के लिए आया था कि स्वर्ग से में बढ़कर मेरी लंका हो, स्वर्ण से बनी हुई हो और उसमें सारा ऐश्वर्य हो, सारा सामर्थ्य हो, इसलिए मैं आया था, तो वो सारी चीज़ें मैं प्रदान करने वाली हूँ, मैं उन सभी स्वर्ग को प्रदान करने वाली हूँ, मैं सारे स्वर्ण को देने वाली हूँ, ऐश्वर्य देने वाली हूँ, सामर्थ्य देने वाली हूँ, मेरे पास सब कुछ वो है और जहाँ मैं हूँ वहाँ सब कुछ स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, सच ये बात है तो एक बार बता दें कि कैसा गुजरती हूँ। उसने अपने चरणों को एक बार जोर से पाँव से जमीन को लगाया तो देखती क्या है कि वो सब सारा का सारा प्रांत स्वर्णमय बन गया, जैसा ही उनका चरण लगा वो स्वर्णमय हो गया। रावण ने देखा सब स्वर्ण हो गया है, तो उन्होंने उनको हाथ जोड़े और कहा कि तुम मेरे पास चलो, चलना ही है, और उन्होंने उनके अपने साथ ले गया, अपने साथ ले जाकर वहाँ उनको अपनी लंका में कहा कि इसको स्वर्णमय बना दो। उस पार्वती रूपी काली ने अपना चरण जोर से मारा और सारी लंका स्वर्ण लंका हुई, स्वर्ण की बन गई, स्वर्ण ही स्वर्ण हुआ। तब उसने कहा कि हे काली, काली की ज्ञान वाली तो काली रंग में रहती है और तूने ये सारे स्वर्ण का स्वर्णमय बना दिया है, मैं आज तुझे नमस्कार करता हूँ और ये बता कि मैं तेरी आराधना किस तरह करूँ, तेरी आराधना किस तरह करना चाहिए। उसने कहा, रावण मैं तीन चीज़ों से परहेज करती हूँ, एक तू कभी जीवन में ये बात कर कि लक्ष्मी साधना लक्ष्मी को यहाँ रुलाते हुए नहीं लाएगा, लक्ष्मी यहाँ रोएगी नहीं, जिस दिन यहाँ लक्ष्मी रोएगी ये सब पूरा विनाश हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, रुद्र रूप शिव को यहाँ आने नहीं देना, रुद्र रूप शिव को यहाँ आने नहीं देना क्योंकि वो आया तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा, रुद्र रूप शिव यहाँ आया तो मैं गायब हो जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि भाई तो शिव जी का आराधन है तो शिवलिंग को प्रार्थना कर सकता है, एकादश रुद्रों में से रुद्र अलग है और शिव जी अलग है, यहाँ महादेव शंकर आ सकते हैं लेकिन रुद्र नहीं आ सकते, जिस दिन रुद्र यहाँ आ गया समझ तेरा विनाश आरम्भ हो गया। नंबर तीन, एक बात याद रखिए, यहाँ यहाँ किसी भी तरह सूर्य पुत्र या सूर्य की आराधना करने वाले को यहाँ आने नहीं देना, यहाँ आया तो तेरा नाश सिद्ध है। तब वो इसने कहा ये तीनों को तो क्या करना है, उसने उन्हें कहा कड़े कोटे लंका को पूर्ण तरीके से बांध दो और चार गवर्नमेंट चार गेट पर बड़े बड़े राक्षसों को रख दो, अब कोई नहीं अंदर आने देगा, ना ऊपर से ना नीचे से, उसे बांध देना चाहिए। वो बांध दिया, माँ मैं इसको देख लूँगा, और वह उस स्वर्णकाली की आराधना करने लगा।
उस काली को उसने स्वर्णकाली नाम रखा और स्वर्णकाली नाम रखते गया तो रोज सोने की थालियाँ आती थी, सोने की थाली में खाता था। उनके उनके पास जो राक्षस थे वो भी सोने की थाली में खाते थे और थाली धोने के बाद शाम पत्थर फेंकते थे, समुद्र में फेंकते थे, इतना ऐश्वर्य था। उस स्वर्णकाली के आगमन से रावण उतना श्रेष्ठ हो गया था।